हम सब लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, राजनीति का वक्त नहीं है। हम सिर्फ इतना कहेंगे आप तमाम लोगों से कि सब लोग सहयोग करें, अस्पताल में कोई भीड़ भाड़ नहीं हो, हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं हो। ये राजनीति और रैली करने का वक्त नहीं है, ये जन सहयोग करने का गवर्नमेंट के लिए क्या कहेंगे। हम लोग गांव जा रहे हैं, हमने सुप्रिंटेंडेंट से बात की है, उन्होंने कहा है गांव जाइए, गांव जाकर के जागरूकता कीजिए लोगों के बीच, बाहर की व्यवस्था कीजिए, ग्लूकोज की व्यवस्था कीजिए और डॉक्टरों को बुला कर लगाइए। हम लोग इस चलिए व्यवस्था ना काफी है, देखिए आप क्या इसका मतलब है। यहाँ जो है सिर्फ एक अस्पताल में आप देखिए 429 मरीज जो हैं वो एडमिट हुए एसकेएमसीएच में, उसमें से 108 ये उनका पेपर का आंकड़ा है, 108 मौतें हुई। इस पे सवाल उठाने की बजाय, सरकार से सवाल पूछने की बजाय हम विपक्ष से सवाल पूछेंगे। इसका मतलब हम काम था सरकार से सवाल पूछना। देखिए विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन सिर्फ सवाल पूछने से नहीं होगा, हमको अपनी भूमिका भी निभानी पड़ेगी। सरकार अगर अपनी भूमिका निभा रही होती, इसमें कोई सवाल है, सरकार अगर अपनी भूमिका निभा रही होती तो ये परिस्थिति ही नहीं आती। अगर लोगों को पर्याप्त पोषाहार प्राप्त होता, तमाम तरीके की योजनाएं की घोषणाओं की घोषणा की जाती है, तमाम तरीके का आयुष्मान भारत, तमाम तरीके का एडवर्टाइजमेंट, बड़ा बड़ा फोटो सेशन। देखिए कल आप योगा के ऊपर जो है करोड़ों रुपया खर्च किया गया, अच्छी बात है कि योगा को लेकर के एक अवेयरनेस चलाया गया, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की स्थिति देखिए। मैं आपको सरकारी आंकड़ा दे रहा हूँ कि 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए स्वास्थ्य व्यवस्था पे खर्च करने के चलते। 70% लोग हैं जिनको पर्याप्त जो है स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती, तो सरकार तो स्वाभाविक रूप से विफल है। आंगनवाड़ी केंद्र की जो भूमिका है पोषण के स्तर को ठीक करने के लिए, इसकी जांच की मांग करेंगे आप। आईसीडीएस तो कब से चलाया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च, जहां बच्चे मरे हैं वहां आंगनवाड़ी केंद्र बंद पड़े। एक बात तो मैं आपको इसमें एक बात जो है हम आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देते, हम 2% भी GDP का स्वास्थ्य पे खर्च नहीं करते। कितना छोटा देश है, हमसे कितना कमजोर देश है श्रीलंका, वो भी हमसे ज्यादा जो है स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर खर्च करता है। दुखद बात यह है कि इस देश में जब लोग बीमार हो जाते हैं तब इलाज कराने के लिए जाते हैं, अब मौतें हो गई हैं तब सरकारी घोषणा हो रही है कि हम अस्पताल में बेड बढ़ा दें। मौत नहीं हो, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिया जाता है, प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर के कोई जागरूकता नहीं चलाई जाती। हमारे यहाँ सबसे पहली कमी यह है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च ही नहीं किया जाता है, सबसे बड़ी समस्या है। और जो खर्च किया जाता है उसमें भारी मात्रा पे करप्शन किया जाता है, ये दूसरे लेवल पे। चाहे आप आंगनवाड़ी की बात कर लीजिए, चाहे आप जो है सरकारी अस्पतालों की बात कर लीजिए, लेकिन ये भी कितनी मात्रा है यही मैं आपको बता रहा हूँ। 70% जो स्वास्थ्य सेवाएं इस देश में है वो तो निजी क्षेत्र में है, मात्र 30% जो है वो सरकारी क्षेत्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा जाती है। और अभी इस समस्या को अभी जब आप ध्यान से देखेंगे तो मरीज जो है वो गांव से आ रहे हैं और 75% स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो शहरों में, और उसमें से सुनिए ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, 48% से ज्यादा लोग मुजफ्फरपुर के गांव से मुजफ्फरपुर जुब्बा सहनी पार्क घूमने के लिए नहीं आते हैं, इलाज कराने के लिए आते हैं। पटना में गोलघर देखने के लिए नहीं जाते हैं, इलाज कराने के लिए जाते हैं। दिल्ली में लाल किला देखने के लिए नहीं जाते हैं, इलाज कराने के लिए जाते हैं। वो यात्रा ही करते हैं गांव से शहर के लिए सिर्फ और सिर्फ इलाज के लिए। रिसर्च के काम को रोक दिया गया, 5 साल तक रिसर्च हुआ ही नहीं, अधूरा रहा रिसर्च, इसको मानते हैं एक अपराध हुआ है। बिल्कुल ही अपराध है, इसलिए मैंने कहा कि जब रिसर्च हुआ तब आप देखेंगे बीच में मौत के आंकड़े बिल्कुल कम हो गए, न्यूनतम स्तर पे चले गए। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन कुछ लोग बता रहे थे बीच में मात्र 2 मौत हुई, लेकिन जब वो जो रिसर्च हुआ और जो प्रिवेंटिव मेजर, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रिवेंटिव मेजर लेने के लिए जो सरकार को निर्देशित किया गया, सरकार ने उसको नहीं किया, तो फोटो खिंचाइए आयुष्मान भारत के नाम पे, नहीं लिया। नतीजा यह है कि आज ये फिर इस साल ये महामारी का रूप धारण कर लिया। और इसीलिए मैं कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, दुख की ये घड़ी है, हम सब लोगों को एकजुट होकर के इस देश में स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार को एक सवाल बनाना चाहिए।
देश देश के लोगों से मजबूत होगा, और जब तक देश के लोग मजबूत नहीं होंगे तो देश कैसे मजबूत होगा। लोगों को सही से खाना नहीं मिलेगा, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी, अस्पताल में दवाई नहीं होगी, तो देश कैसे मजबूत होगा। ये जिम्मेवारी हम सब की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों।